कहा था ना तो उससे चुपचाप खाना खा लेना, क्यों नहीं खाया अभी तक? अरे जाम मोड़ने तो पहचान कर रखो है, कछु खाती नहीं है? अरे नहीं, हम सोचे थोड़ा डरा दे उसको। अब तुम्हारे लाने तो सब करना पड़े है ना, कितने दिन रखना पड़े जाम मोड़ी को? अरे ज्यादा दिन मोड़ी को नहीं रख सकते, परसों हमारा अगला कांड है, अब करते हैं कछु हम। रखता हूं मैं। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के इस एपिसोड में मैं रणदीप हुड्डा आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश के कई हिस्सों में रसम और परंपरा के नाम पर औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसी ही एक रसम है सरढकाई, जिसने पारंपरिक लोक नृत्य के नाम पर आज भी हमारे देश में औरतों को खुलेआम खरीदा और बेचा जाता है, और बेचने वाले भी कोई और नहीं बल्कि उसी के घर के लोग होते हैं। आसानी से कमाए जाने वाले पैसे की आदत बहुत बुरी होती है। जल्दी अमीर बनने की चाहत में कुछ भी कर गुजरने की ऐसी एक कहानी मैं लेकर आ रहा हूँ अपनी फिल्म लाल रंग में, जो हम इंसानों के खून की तस्करी की कहानी है। ये अजीब इत्तफाक था कि भोपाल की पुलिस जिस बच्ची को ढूंढते हुए भमोड़ी आई, वो अंडा गैंग के एक सदस्य भूरा की गिरफ्त में थी। जहाँ एक तरफ भमोड़ी पुलिस अंडा गैंग को पकड़ने की तैयारी में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ भोपाल पुलिस भी भमोड़ी पुलिस की मदद से संगीता के भाई कुंदन तक पहुंच चुकी थी। अब देखना ये था कि सच का कौन सा नया पहलू सामने आने वाला था। बिंदिया, आज शाम को बड़े बड़े ठाकुर आने वाले हैं, ठीक है? तो बढ़िया नाच होना चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है? हमको बुला लेते, हम आ जाते थाने। बड़े साहब आए भोपाल से, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। आई साहब बैठ बैठिए साहब। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, तलाशी लीजिए। कहाँ गलती हुई हुजूर? इसको पहचानते हो? ये तो हमारी बहन है, हमारी बहन सितारा। कहाँ है जे? कई बरस से देखा ना इसे। सितारा, खून हुआ इसका। खून? जी गाओगो? ए भगवान, काय वापस बुला लो। देख कुंदन, हमारे सामने ये रोने धोने की एक्टिंग मत कर। सच सच बता, सितारा की बेटी कहाँ है? बेटी? जी का कह रहे हुजूर, हमारी बहन मोड़ी जी नहीं थी, हमको तो पता ही नहीं। सर, पूरा घर सर्च कर लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। कुंदन, सच सच बता, कहाँ छुपाया बच्ची को? सरकार मालिक हुजूर, आपका नहीं पता का, हमको कुछ नहीं पता का, हमारी बहन मोड़ी जनी है। 8 बरस हो गए उसके शकल देखे हुए, अब क्या पता हमें वहाँ के बारे में। तू नहीं बेचा था ना अपनी बहन को सरढकाई की रस्म के नाम पे? तुझसे ही डर के भागी थी ना वो। अब हुजूर एक बार कह देती कि हमको शादी करनी है, करा देते। अरे साहब, ये तो रिवाज है हमारी बिरादरी का, एक बार शादी हो जाए तो फिर सर दिखाई नहीं हो सकती। अरे साहब, हमसे तो कछु कही नहीं, हम करते तो क्या करते, हम कहो ना जबरदस्ती नहीं किए। और हम कहो, हमारे पूरे समाज में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मोड़ी की सर ढकाई के लिए। तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। अब कान खोल के एक बात सुन ले, इस गाँव को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। शुक्ला जी, इस पर 24 घंटे नजर रखिएगा। सर, प्रताप, कुछ पता लगा कुंदन से? कुंदन से मिले लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। उन जैसे लोगों से सच की उम्मीद करना ही बेकार है, सालों बचपन से झूठ की गुट्टी पिलाई जाती है। चौहान, उस बच्चे की तस्वीर सारे थानों में भिजवा दी है? हाँ सर, भिजवा दी है। वेरी गुड। इंस्पेक्टर गुप्ता, प्लीज आप ही अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं सबको एक्टिव कर दीजिए। डोंट वरी, हमने अपने खबरी राजू को काम पे लगाया है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। और वो जिमी ठाकुर, उसके बारे में कुछ पता चला? जी, अगर ये कांड जिमी ठाकुर ने करवाया तो उसका कोई ना कोई आदमी इसमें जरूर शामिल होगा। उन सब पर नजर रखिए और कुंदन और जिमी ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकलवा ली है, दबंग है यहाँ का, खानदानी रईस भी है। दबंग?
मिस्टर शुक्ला, हमारी तैयारी कहां तक पहुंची? बरसों का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अंडा गैंग का ये आखिरी हमला होगा। बरसों के लिए हमने अपनी बेस्ट ऑफिसर्स की टीम तैयार की है। गुड। मिली? सर, बच्ची नहीं मिली। अरे अब कहाँ है वे जवानी के शौक, चादर ढकाई वगैरह। अब तो हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। सच्ची कहे तो हमें याद भी नहीं है कि जा कितने बरस पुरानी बात। ठाकुर साहब, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए, दिमाग की खिड़कियां अपने आप खुल जाएंगी। हो सकता है अब वो शौक नहीं रहे, लेकिन जख्म पुराना और वो भी गहरा, अब तक तो नासूर बन चुके होंगे कि एक मोड़ी आपके चेहरे पर तमाचा मारकर भाग गई और आप भूल गए। आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। अरे बाने तो ऐसी तन बदन में आग लगाई थी कि हमने तो बहुत कोशिश करी थी कि एक पैर हमारे हाथ लग जाए। मोड़ी की किस्मत अच्छी थी कि वह मिली नहीं। ठाकुर साहब को फोटो दिखाओ। ठाकुर साहब, इस बच्चे को पहचानते हैं आप? कपड़े लड़कों जैसा पहनती है ये लड़की। कौन है जा? हमें तो कच्चू याद नहीं है। ठाकुर साहब, लगता है आपकी याददाश्त ने आपका साथ छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता दीजिएगा। उम्मीद कीजिएगा कि हमें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। कॉपरेशन के लिए थैंक यू, चलते हैं। अबे जो का हो रहा है, ये लोग हमारे पास तक कैसे पहुंच गए? आवाज नहीं पहचान रहे हो? जिम्मी ठाकुर बोल रहे हैं। आप लोग बमोड़ी के जिम्मेदार अफसर हैं और आपके हाथ में कमान है बमोड़ी की। हमको पता है अंडा गैंग क्या कर रहा है। एक साल से पूरी टीम एक साथ धावा बोलेगी, एक साथ पकड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अरे क्या सोने के लाने आए हो? अरे नहीं भैया, तैयारी का तुम्हारा बाप करेगा। कर रहे भैया, कर रहे। ये बात सब कान खोल के समझ लो, अपनी गैंग के नाम तक से पुलिस घबराता है। इज्जत का सवाल है, दिन में डाका डालना है, सब अपने अपनी जगह याद कर लो। जी भैया। अब तक के ज्यादातर अटैक्स हाईवे के इस स्ट्रेच पर हुए, चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है। मुश्किल होता है किसी का पीछा करना, लेकिन इस बार हमारी टीम तैयार है। अंडा गैंग के कम से कम 2-3 लोग जिंदा आताने चाहिए। सभी लोग एक साथ कार्रवाई करेंगे और एक साथ धावा बोलेंगे। सब क्लियर? यस सर। सर, हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं। हम 1 किलोमीटर पीछे फॉलो कर रहे हैं। ए जुगनू, सफेद रंग का गाड़ी आ रहा है, निशाने पे बैठा है ना? अरे भैया चिंता मत कीजिए, आप निशाने पे बैठे हैं हम। चलो ना सब। सर अटैक हो चुका है। वाइपर मत चलाना गलती से भी, हम 500 मीटर से भी कम दूरी पर हैं तुम्हारे पीछे। जैसे ही हम रेंज में पहुंचेंगे तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, तब तक गाड़ी मत रोकना एंड तब तक ड्राइव स्लो। सर गाड़ी रोक दो। सर मैं धीरे धीरे गाड़ी रोक रहा हूं।
किस्मत अच्छी है तेरी, गोली पैर को छूके निकली, हड्डी में नहीं लगी। नाम बता अपना। जुगनू। सच बता। जुगनू नाम, जुगनू नाम है मेरा। मैं तो बिल्कुल नया मैं मुर्दा फेंक था। मेरा निशाना बहुत अच्छा है साहब, मुझे सिर्फ अंडा फेंकने के लिए लगाया साहब, तब तब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मतलब मार रहे साहब बाकी लोग करते हैं, मैं तो साहब सिर्फ अंडा फेंकता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। एक काम करो, इस जुगनू के पास फोन रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है गैंग के मूवमेंट का या अड्डे का पता लग जाए। ओके सर। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर गुप्ता। थैंक यू इंस्पेक्टर प्रताप। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। आप लोगों का केस कहां तक पहुंचा? कुछ कबूल किया कुंदन ने? नहीं, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं। वैसे कुंदन और जिमी ठाकुर दोनों पर 24 घंटे नजर रख रही है मेरी टीम, ठाकुर के आदमियों से भी पूछताछ चल रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने जुगनू का पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाया सर, पता चला हिस्ट्री शीटर है, रतनगढ़ जेल में था सर 3 साल पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है सर कि जब हमने उसके फोन की लोकेशन टेस्ट की तो पता चला कि 15 दिन पहले वो भोपाल के पिपलानी इलाके में था, जहां के मर्डर केस के लिए भोपाल पुलिस यहां आई हुई। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को इन्फॉर्म करो, हमें जुगनू से नए सिरे से पूछताछ करनी होगी। ओके सर। भोपाल का रहने वाला ना तू? हां सर। अच्छा अब ये बता, 15 तारीख को रात के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पिपलानी इलाके में तू क्या कर रहा था? भोपाल के नामी पंडित से तेरी कुंडली निकलवा ली है। क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इसीलिए साहब ने जो पूछा ना उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना हर सवाल पे पिटता रहेगा तू। अब ये बता कि भोपाल में तू करता क्या है? सब इधर उधर कुछ छोटा मोटा काम। काम या चोरी? छोटी मोटी चोरियां भी की है साहब। जेल भी जा चुका है ना तू? 3 साल पहले पटुआ चुराया था, पकड़ा गया, जेल हो गई, वही भूरा भैया से मुलाकात हुई थी साहब। रतनगढ़ जेल में? हाँ साहब। 1 महीना पहले उनका फोन भी आया था। भैया प्रणाम, कैसे याद किया? एक काम है भोपाल का, करेगा? अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। एक बूढ़ी का फोटो भेज रहे हैं और साथ में पता भी। नजर रख घर में कौन आता है और कब कौन जाता है। हम 2 दिन बाद भोपाल आएंगे, आके तो उससे मिलते हैं। ठीक है भैया। में 3-4 दिन लग जाएंगे, अपना ख्याल रखना और गोलू का भी। हम फोन छोड़ के जा रहे हैं, एक तो दूसरा नंबर ले लेंगे और नहीं किसी दूसरे के फोन से फोन कर लेंगे। तुम हमारे चिंता बिल्कुल ना करो, हम अपना भी ध्यान रखेंगे और गोलू का भी। तुम ठीक से जाओ। भैया वो आपने जिसका आप फोटो भेजा था ना, उसका पति बाहर चला गया, अब करना क्या है? ठीक है पूरा भैया। आप कौन? सितारा है ना तू? जुगनू उठा मोड़ी को। मैं डर गया था, मुझे लगा कि चोरी करना है, बुरा भैया ने तो मर्डर कर दिया। फिर मैं भैया के साथ इधर आ गया साहब, मैं मर्डर नहीं करता था, वो दूसरे लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ अंडा फेंकता हूँ और चोरी का माल बटोरता हूँ साहब, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये वही बच्ची है ना
अब लगती तो वो ही है। ध्यान से देख। सब लड़कों के कपड़े पहने हुए थी। किसके कहने पर उठाया था? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। सच सच बता दे, कहाँ छुपाया बच्ची को? पमोड़ी पुलिस ने अंडा गैंग का न सिर्फ हमला रोका बल्कि उनके कुछ साथियों को मार गिराया और कुछ को हिरासत में ले लिया। अंडा गैंग की रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी थी। अंडा गैंग का सदस्य जुगनू भी उनकी हिरासत में था, जिसके जरिए पुलिस गैंग के सरदार भूरा को पकड़ने की कोशिश में थी। भूरा के साथी जुगनू ने भोपाल पुलिस को बताया कि संगीता उर्फ सितारा का खून भूरा ने किया था और उसी ने सितारा की बच्ची गुड़िया का अपहरण भी किया था। पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जुगनू की फोन की लोकेशन का संगीता के मर्डर की लोकेशन पे पाया जाना इत्तेफाक था या इंटेंशनल, ये बात भोपाल पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी। मगर भोपाल पुलिस के लिए अभी भी अधूरी सफलता थी, क्योंकि भूरा उस बच्ची गुड़िया को लेकर फरार था। क्या मकसद था गुड़िया को उठाने का और वो आखिर थी कहां? किसके कहने पे भूरा ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब पुलिस अब भी तलाश रही थी। अभी यहां से कहां जाना है? सर अंदर वाली गली। इंस्पेक्टर गुप्ता, चौहान सर, यहां तो कोई नहीं है। बुलाओ उसे। झूठ बोल रहा था, यहां तो कोई नहीं है। कहां है बच्ची? सच में नहीं पता था भैया, यहीं पे लेके आते थे बच्ची को। किसके कहने पे किया ये? बच्ची के साथ क्या करने वाले? सच में नहीं पता था, मोहरा भैया ने कहा तो कर दिया सब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तो भैया से पूछा भी था कि डबल मुसीबत क्यों चाहिए, तो कहने लगे कि तू नहीं समझेगा, कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर प्रताप, जिस आदमी खोज में आप आए हुए हैं उसी आदमी के गैंग को हम भी खोज रहे हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आई, किस अंडा गैंग वाले भूरा ने उस औरत का मर्डर क्यों किया और उस बच्ची को क्यों उठाया? उनका काम तो डकैती है। भूरा ने जुगनू से कहा था कि कुछ काम दिल के लिए करने पड़ते हैं। दिल के लिए मतलब औरत के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं जिमी ठाकुर ने भूरा को भेजा हो या फिर कुंदन ने, क्योंकि जुर्म करने का मकसद तो उन दोनों के ही पास है। वैसे भूरा का फोन ट्रेस करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर उसका फोन उसी दिन से बंद है जिस दिन हमला हुआ था। इंस्पेक्टर गुप्ता, ऐसे लोग तो अपना नंबर बार बार बदलते ही रहते हैं। हमने अपने खबरी जिमी ठाकुर और कुंदन दोनों के घर पर लगाए हुए, हो ना हो इन्हीं दोनों में से कोई एक शामिल है इस कांड में। और सर अपने पुलिस स्टेशन से भी खबर आई है कि सुधीर अपने बच्चे के लिए रोज चक्कर काट रहा है। ये मोड़ी इतनी रहेगी अब, नाचवा सिखाओ इसे, बड़ी होके माँ के समान नचनिया बननी चाहिए। हमारो कछु दिन आनो जानो लगो रहे, ख्याल रखियो। ए मोड़ी डर गए रही है, अब से जो ये तुम्हारे घर समझी। अरे मोरा के कपड़ा काहे पहन रखे हैं, चल अंदर ले अंदर। अरे वाह, चमोड़ी तो महारानी लग रही है, भूख लगी ना? लड्डू क्यों ले, लड्डू खाओ खाओ खा ले, एक और खाओगी लो। जे जे सब तुम्हारे काजे हैं, हाँ तुम्हारे काजे हैं। Thank you.
पहन लो ये खिलाने और नाच के दिखाओ। नहीं, मम्मी ने मना किया है, नाचना बुरी बात है। ठीक है, मत नाचो, अगर तू नहीं नाचेगी तो फिर तुझे ये रोज रोज लड्डू कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। साहब जी, साहब जी कुंदन के घर के बाहर खड़ा हूँ। साहब जी अभी अभी कोई आदमी कुंदन के घर के पीछे के दरवाजे से निकला है। पीछा कर उसका और नजर रख उस पर। हाँ साहब। हाँ सुन, जैसे कुछ पता चले बताना मुझे, मैं आता हूँ। हाँ साहब बिल्कुल। ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट, वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला और जिमी ठाकुर पर भी हमारे आदमी नजर रखे हुए, उसके आदमियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई संदेह निकल के नहीं आया। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। ये राजस्थान के बहुत बड़े ठाकुर साहब हैं, आज ये सरढकाई करेंगे। अच्छा, हाँ
चलो आओ बैठो। चलो कितने है मालिक? चाहिए हमारी हवेली। चल अंदर। चिप कहाँ ले जा रहे? चल अंदर। ये सर पूछे इसका सच से जवाब दे। बिंदिया, अपनी बहन सितारा को तूने ही मरवाया ना? ये सब कहाँ हो रहा है ठाकुर साहब? जी आप हमारी सरदकाई करके कहाँ ले आए? हम जी को पूछ रहे हैं। हम मालूम अपनी जीजी को क्यों मारेंगे? अच्छा सकबाल, अपने आप को बहुत शातिर समझती हो तुम, और अपनी जीजी के साथ ये प्यार का नाटक हमारे सामने मत कर। तुझे क्या लगा था किसी को तुझ पर शक नहीं होगा? अरे तुझ पर तो तभी शक हो गया था जब रात में तेरे घर से आदमी निकला था। सर, ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। कुंदन के घर में कुंदन के अलावा उसकी पत्नी और छोटी बहन बिंदिया है, जैसा कि जुगनू ने बताया था। कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। बूरा ने एक कांड दिल के लिए किया है, बस अब ये पता करना है कि बूरा का दिल किस पर आया है, बिंदिया पर या फिर तो बुरा का दिल तुझ पर आया था। तू ही इस कांड की सूत्र था। तेरा फोन टैप किया था हमने, अपनी सच्चाई तूने खुद ही बता दी। ले सुन। हेलो, मोड़ी को नाच सिखाने का इंतजाम ठीक से हो गया ना? और हाँ सुन, जरा संभल के, पुलिस हमारे भैया को उठाकर ले गई है। अरे तू काहे चिंता करे, आज तक तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। ए बिंदिया, तेरा बहुत ज्यादा डर है। तू कब मिलेगी? अभी कहाँ, अभी तो हमें सरढकाई के लिए तैयार होना है। सितारा ने जिस डर की वजह से अपना नाम बदला, अपनी बेटी को बेटा बनाकर रखा, आखिर में वो डर सच साबित हुआ। सितारा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कांड उसकी खुद की बहन कर सकती है। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे, सुधीर ने बताया हमें। वो सपना देख रही थी तुझे भोपाल बुलाने का। काहे का सपना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जीजी ने, और आपको क्या पता है 15-16 साल के थे जब जीजी अपनी सरढकाई के वक्त भाग गई, और उसके कारण हमारे साथ ये सब हुआ। हम नचनिया बन गए, और वो जिम्मी ठाकुर, उसने बदला लिया हमसे। और उसके बाद हमें पक्का भी नहीं रखा उसने। ठाकुर में ठाकुर, ठाकुर में ठाकुर बदलते गए। जो घर हम दोनों बहनों को मिलके चलाना था, उसका सारा बोझ हम पर आ गया, और वो हमारा भाई जी। माफ कर दो मालिक, हमें क्या पता कि ये मोड़ी ऐसा कुछ कर। मालिक, मालिक, माफ कर दे मालिक, हम भरपाई कर देंगे मालिक, हम भरपाई कर देंगे। हमारे पास सितारा से भी अच्छी मोड़ी है, हमारी छोटी बहन बिंदिया। बिंदिया है ना? अरे आना, ये सब हुआ चिच्ची के भागने की वजह से।
नफरत नहीं होगी काम है हमारी चिच्ची से। बदला लेने की आग हमारे दिल में लगने लगी। चिच्ची तो अपना घर बसा के बैठ गई और हम नचनिया से फतुरिया बन गए। नफरत नहीं होगी काम है हमारी बहन से, पर हम क्या करते? किसी को नहीं पता था कि चिच्ची गई कहाँ है। और इतने सालों बाद जब चिच्ची ने हमें खुद फोन किया तो हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? कैसी हो बिंदिया? हम सितारा बोल रहे हैं। दीदी बिंदिया कैसी हो? कैसी हो पूछ रही हो या मजाक उड़ा रही हो? जीजी खुद तो तुम चली गई और हमें यहाँ छोड़ गई नचनिया बनने के लाने। ऐसा काहे कह रही हो बिंदिया? हम तुमको भी यहाँ बुला लेंगे। हम यहीं रहते हैं भोपाल में। हम चंदर से बात कर रहे हैं, जब सारा इंतजाम हो जाएगा ना तो हम तुम्हें फोन करेंगे। और तुम जानती हो हमारी एक बेटी भी है जो पूछती रहती है कि मौसी कब आएगी, मौसी कब आएगी। भोपाल में कहाँ रहती हो जीजी? हमारे लाने कुछ भी कर सकते हो ना? किसी की जान लेनी है क्या? बोल तो। हमें बदला लेना है। तुम्हारे लाने तो हम सब करेंगे। ये रहा जीजी का पता और ये रहा जीजी का फोटो। हमें जीजी की बेटी चाहिए। अब वो बनेगी हमारे बुढ़ापे का सहारा। हम उसे नचनिया बनाएंगे। करोगे ना? तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लाने तो सब करेंगे। इसीलिए बुरा के हाथों तूने अपनी बहन को मरवा दिया। बिंदिया सच सच बता, कहाँ है बुरा और उस बच्ची को कहाँ छुपा रखा है? साहब जी आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर बुरा को पता चलेगा ना कि आप हमें जहां ले आए हैं तो ना आपको बच्ची मिलेगी और ना बुरा। बिंदिया बुरा को पता कैसे चलेगा? शायद तू भूल रही है। तो पूरे गांव के सामने सरढकाई के बाद इस ठाकुर के साथ निकली और ये ठाकुर हमारा आदमी है। पुलिस तो वहां थी ही नहीं। तुझे सीधा सीधा गिरफ्तार करते ना तो भूरा को पता चल जाता, और अगर भूरा को पता चल जाता तो वो बच्ची को मार देता। इसीलिए पूरे गांव के सामने तुम्हें ये ठाकुर सरढकाई के नाम पर उठा कर लाया। देख अब और होशियारी नहीं, अब तू खुद हमें अपने आशिक तक पहुंचाएगी। सुबह होते ही वो तुझे फोन जरूर करेगा। सर अननोन नंबर है सर। स्पीकर पे डाल, बात करो। हेलो हम बोल रहे हैं बिनीता, सब ठीक है? कैसा है ये राजस्थान वाला ठाकुर? हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। सर फिर से अननोन नंबर है। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। निकले कि नहीं अभी तक ठाकुर के घर से? हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस तुम तालाब के पास हमें मिलो। जाका हुआ अचानक, आज शादी करने का मन है क्या हमसे? ठीक आधे घंटे में पहुंच जाओ। ये रुक क्यों गया? बिंदिया चल सामने जा।
भैया जी, हम आप ही को फोन मिलाने वाले थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे कौन है साहब? मेरा क्या साहब? अरे मैडम मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैडम मुझे छोड़ दीजिए मैडम। कुछ बेटा जुगनू और बिंदिया पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर संगीता की हत्या, हत्या की साजिश और गुड़िया के अपहरण के चार्जेस लगे हैं। ये कहानी यूं देखे तो एक परिवार की आपसी रंजिश की कहानी है, लेकिन इसके मूल में है एक प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसकी आड़ में लड़कियों का शोषण होता आया है और अब भी हो रहा है। इस हफ्ते आपने क्राइम पेट्रोल डायल 100 में देखी औरतों और बच्चों पे होने वाली अपराध की दर्दनाक कहानियां। ये अपराधों की कहानियां नहीं, हमारे समाज की बीमारियों की कहानियां। एक तरफ आपने देखा कि एक लड़की जिसका रंग काला था, कैसे उसकी रंग की वजह से उस पर तरह तरह के अत्याचार हुए, और दूसरी तरफ एक बच्ची पर उसके अपनों के ही द्वारा शोषण करने की शर्मनाक दास्तान। अपराध की ना कोई जगह होती है ना कोई परिवेश, अपराध के पीछे होता है सिर्फ कमजोर चरित्र, बदला, लालच या स्वार्थ। हमारे देश के कई हिस्सों में खून की चोरी भी बड़े पैमाने पर होती है, उसका व्यापार होता है। ये सुनकर आपको शायद अचरज हो, पैसे कमाने के लिए इंसान क्या क्या तरीके नहीं खोज लेता। हॉस्पिटल में जिंदगी से जूझ रहे बहुत से मजबूर लोगों को खून खरीदना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग अपना कारोबार चलाते हैं। ब्लड माफिया की ऐसी ही सच्ची कहानी को आप जरूर देखिए 22 अप्रैल को रिलीज होने वाली मेरी नई फिल्म लाल रंग में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।